अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फ्यूज्ड सनस्क्रीन की, जो SPF 60 पर मुश्तमिल है। डिटेल से हम बात करेंगे, इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करेंगे, पैकेजिंग की बात करेंगे, कौन सी स्किन टाइप वाले इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। शॉर्ट सी वीडियो बनाती हूँ, टू द पॉइंट बात करती हूँ, इसलिए वीडियो को आपने अंत तक देखना है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, बहुत दिनों के बाद मैंने वीडियो बनाई है। वीडियो बनाने का दिल मुझे नहीं करता है क्योंकि आप लोग वीडियो नहीं देखते हो मेरी। तो चलो हम बात करते हैं इस सनस्क्रीन की। इसका काफ़ी हाइप है, काफ़ी इसके मुझे मैसेजेस मौसूल हुए थे कि इसके ऊपर मैं रिव्यू करूं, तो इसका रिव्यू हाजिर है। फ्यूज सनस्क्रीन की अगर बात की जाए तो SPF 60 पर मुश्तमिल है। इंग्रेडिएंट्स की अगर बात की जाए तो इसमें एलोवेरा पाया जाता है, एवोबेंजोन है, इसके अलावा टाइटेनियम डाइऑक्साइड पाया जाता है, यानी कि वो तमाम इंग्रेडिएंट्स में पाए जाते हैं जो आम नॉर्मल सनस्क्रीन में आपको मिलेंगे। अब इसकी टेक्सचर की पैकेजिंग की बात कर लेते हैं। ये 50 ml में भी आपको अवेलेबल होगी और 100 ml भी होगी। अगर आप ट्रायल के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मैं आपको पहले यही सजेस्ट करूँगी कि 50 ml में आप लोग इसको आप परचेज़ कर लें, जिसकी प्राइस 1500 तक है, यानी कि लिटिल बिट से थोड़ी एक्सपेंसिव भी आपको पड़ेगी। और स्किन टाइप्स की अगर बात करें कि कौन से स्किन टाइप पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो टेक्सचर की पहले बात कर लेते हैं। इसका टेक्सचर बहुत ज़्यादा रनी नहीं है, क्रीमी सा है। थोड़ी सी एफर्ट के बाद ये ईजीली आपकी स्किन में ब्लेंड हो जाता है और किसी किस्म की वाइट कास्ट नहीं देता है। अब विंटर्स में आप लोग इसको तमाम स्किन टाइप्स वाले इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। समर में जो होता है, क्योंकि स्वेट आता है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, तो आप लोग इसमें जो ऑयली स्किन वाले हैं इसको परचेस ना करें, क्योंकि इससे जो आपकी स्किन के ऊपर ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करता है। बाकी सब ठीक है, लेकिन इसके साथ ना बाज़ जो मेरे व्यूवर्स हैं या जिनको मैंने ये ट्रायल करने के लिए और जिनको मैंने सजेस्ट की थी ये सनस्क्रीन, तो उन्होंने ये कंप्लेन की है कि उनके चेहरे पर बहुत ज़्यादा पसीना आ जाता है। तो या तो आप लोग इसको स्किप कर लें, विंटर्स में इसको इस्तेमाल करें। अगर आप लोगों ने ले ली है फिर भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो पहले आप लोग अपने स्वेट को, यानी कि अपने पोर्स वगैरह को बर्फ़ वगैरह लगा के, बर्फ़ वगैरह जो आप ठंडे पानी से आप छींटे मारें, उसके बाद इस्तेमाल करें, तो मे बी ये स्वेटिंग का जो प्रॉब्लम है वो हल हो जाए। क्योंकि पोर्स बहुत ज़्यादा ओपन हो जाते हैं गर्मियों में, तो जिसकी वजह से स्वेट वैसे भी आ जाता है। तो लेकिन इस सनस्क्रीन के इस्तेमाल से स्वेट का इशू है, अदरवाइज़ ये न तो कोई वाइट कास्ट देता है, ईजिली ऑब्जर्व हो जाता है और ईजिली ब्लेंड भी हो जाता है ये सनस्क्रीन। तो ये था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू रिलेटेड टू दिस प्रोडक्ट। हो सकता है कि आपका रिव्यू इस सनस्क्रीन के बारे में डिफरेंट हो, लेकिन मैंने अपना रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। इट्स अप टू यू, आप इसको परचेज करें या ना करें आप। तो मिलते हैं फिर किसी अच्छे से प्रोडक्ट के रिव्यू के साथ या किसी अच्छे से टिप के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।